हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम जो डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, वो दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जो आज हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है वो है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफेरेंसली, हमारा जो ज्वाइंट बनता है बॉयलर में उसका यहाँ पे हमारा दोस्तों न्यूमेरिकल है। इसके पहले दोस्तों इसके ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि इसके मेन मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है और इसका डिजाइन कैसे किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल के ऊपर, जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या हमारा कह रहा है कि डिजाइन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफेरेंसली ज्वाइंट फॉर ए बॉयलर हुज डायमीटर इज 2.4 मीटर। ठीक है, जो हमारा गिवन है उसे हम लिखते चलेंगे। वैसे भी आपके न्यूमेरिकल ये बुक में दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं क्या दिया है। कह रहा है कि फॉर ए बॉयलर हुज डायमीटर इज 2.4, डायमीटर का वैल्यू में दिया हुआ है डी 2.4 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एंड इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। जो हमारा प्रेशर लग रहा है इसमें वो कितना है, 1 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर है। सेकेंड केस कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इज ए ट्रिपल रिवेटेड। कैसा है अभी, ट्रिपल रिवेटेड बट ज्वाइंट है। कैसा है, ट्रिपल रिवेटेड बट ज्वाइंट है विथ एन इफिशियंसी ऑफ अबाउट, जिसकी इफिशियंसी हमारी कितनी है 85% है, एंड द सर्कमफेरेंसली ज्वाइंट इज डबल रिवेटेड। और देखो अभी यहां किसकी बात किया था, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, अब बात कर रहा है यहां सर्कमफेरेंशियल के लिए। ये कैसा है, डबल रिवेटेड है, लैप ज्वाइंट विथ एन इफिशियंसी। अब जो सर्कमफेरेंशियल की इफिशियंसी है वो कितना दिया है, 70% दिया है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर कह रहा है कि द पिच इन आउटर रो, क्या कह रहा है कि द पिच इन आउटर रो ऑफ द रिवेट इज टू बी डबल देन इन द इनर रो। देखो ये कंडीशन दिया है, कह रहा है कि जो हमारी जो पिच है इन आउटर रो ऑफ द रिवेट इज टू बी द डबल देन इन अ इनर रो। ठीक है, फिर कह रहा है कि एंड विड्थ ऑफ कवर प्लेट इज अनइक्वल, और जो विड्थ है वो क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द अलाउबल स्ट्रेस हमारा दिया हुआ है सिग्मा टी 77 MPa, और हमारा जो टार्क टाउ दिया है 56 MPa, और हमारा जो क्रशिंग का दिया हुआ है सिग्मा सी 120 MPa दिया हुआ है। कह रहा है कि एज्यूम द रेजिस्टेंस ऑफ रिव इन डबल शेयर इज 1.875 टाइम दैट ऑफ ए सिंगल शेयर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो गिवन है उसे हम क्या करें, पहले लिख लेते हैं। तो हमारा डी गिवन था 2.4 मीटर, एमएम में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीपल किया हमने, ये हमारा हो गया 2400। ठीक है, प्रेशर हमारा कितना अप्लाई हो रहा था, 1 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल की एफिशिएंसी दी थी 85% दिया था, और सर्कमफेरेंशियल की 70% दिया था, और ये हमारा सिग्मा टी दिया हुआ है, ये हमारा टाउ दिया हुआ है, ये सिग्मा सी का वैल्यू दिया हुआ है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डिजाइन करते हैं एक एक की क्या क्या हमें पूछा है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल के बारे में कि लॉन्गिट्यूडनल हमारी कंडीशन है तो हमारा डिजाइन कैसे होगा। ठीक है, किसकी बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल की। ओके, किसकी बात कर रहे हैं अभी, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, स्टेप वन में हम क्या करते हैं, थिकनेस को फाइंड करते हैं, थिकनेस ऑफ बॉयलर। तो टी इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या था, पीडी अपॉन 2 सिग्मा टी इफिशियंसी ऑफ एल जो लॉन्गिट्यूडनल की है प्लस 1, ये हमें गिवन था। अब हमने क्या किया, P का वैल्यू हमारा कितना दिया 1, D का वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर लिया 2, सिग्मा T ऑलरेडी हमें फाइंड है 77, इफिशियंसी हमारी परसेंटेज में कितना हो जाएगी 0.85 प्लस 1, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.33 mm। ठीक है, तुम्हारा नियर 20 आ रहा है, तो हमने क्या किया, थिकनेस हमारी कितनी आ गई 20 mm आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने सेकंड केस बताया था, जो स्टेप सेकंड है, हमें डी का वैल्यू देखना है वो हमारी ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको, याद अगर हो, अगर हमारी ग्रेटर होती तो हमारी कंडीशन क्या, 6√t, यानी टी का वैल्यू क्या ग्रेटर है, 8 से तो ज्यादा है ना हमारा 20 mm। तो हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू फाइंड करेंगे डायमीटर 6√t। अब हमारा देखो 6, हमने 6 रख दिया, और हमारा जो टी है, टी कितना हमारा 20 है, यहां से हम फाइंड करेंगे जब डी का वैल्यू, ये हमारा आ जाएगा 26.83 mm।
यानी कितना नियर अबाउट 27 है, हमने 27 mm रख दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू फाइंड होगी। देखो दोस्तों हमारा डी का वैल्यू तो फाइंड हुआ ही है, ठीक है, बट एक्चुअल हम जो हमारा ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है वहां हमारा डी का वैल्यू आता है वो कितना आता है 28.5, ठीक है। तो ये अभी मान ले रहे हैं ऐसा कुछ कि हमारा बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि हम जो हमारा डिजाइन है डाटा बुक का वो स्टैंडर्ड हमारा ये डिजाइन एक तरीके से, कैसे हमारा ये स्टैंडर्ड डिजाइन है, इसलिए मैंने इसको ऐसा कंसिडर कर लिया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी एग्जाम में आता है सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डी इक्वल टू मैंने यहां से इतना फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड बात करते हैं पिच के बारे में, क्या फाइंड करते हैं पिच, आप न्यूमेरिकल दोस्तों नोट कर लीजिएगा ताकि इतना ही दिख पाएगा आपको। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि हम पिच को कैसे फाइंड करेंगे, पिच को। अब क्या है, पिच को फाइंड करने के लिए मैंने बताया था पीटी इक्वल टू पीएस, यही कंडीशन मैंने बताई थी, यानी अगर हम दोनों को इक्वल कर दें तो हमें पिच का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब ये क्या है, टीरिंग के लिए, ये क्या है शेयर के लिए। अब हमें पीटी का वैल्यू तो पता है ना, पीटी का वैल्यू हमारा क्या होता है, पी माइनस डी टी इंटू टाउ। टीरिंग के लिए ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है डिजाइन पे, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे पी माइनस ये डी का वैल्यू कितना है 28.5, जैसा कि मैंने बताया था टी का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 20 और ये वैल्यू हमारा आया है 77। इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1540 और ये हमारा हो जाएगा पी माइनस 28.5, ये हो गया, ये हमारा पीटी है। अब हमें शेयरिंग का फाइंड करना है, शेयरिंग को भी फाइंड कर लेते हैं पीएस को। हमारा पीएस का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो एक चीज यहां गिवन था क्वेश्चन में कि अब देखो पीएस के लिए हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन दी थी, देखो यहां क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इज ट्रिपल रिवेटेड बट ज्वाइंट विथ एन एफिशिएंसी, कैसा हमारा ट्रिपल रिवेटेड है, ठीक है। जब ये हमारा ट्रिपल रिवेटेड है तो क्या होगा, ट्रिपल रिवेटेड के लिए ट्रिपल रिवेटेड विथ टू अनइक्वल कवर प्लेट, यही कह रहा है। जब ऐसी कंडीशन हमारी आती है तो हम क्या करेंगे, इस कहने का मतलब हमारा ये हमारा फाइव रिवेटेड हो गया, फाइव रिवेटेड पर पिच लेंथ, कैसा पर पिच लेंथ, क्योंकि ट्रिपल है अब टू अनइक्वल भी है, यहां लिखा था ना ये ट्रिपल रिवेटेड, ठीक है। जब ये हमारा फाइव रिवेटेड होगा तो हमारी क्या होगी, दो में तो इक्वल शेयर हो जाएगी यानी फोर आ जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा सिंगल शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पीएस का, एन और हमारा वैल्यू दिया था 1.857। देखो ये मैंने कहां से लिखा हुआ, देखो यहां न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, कह रहा था ना एज्यूम दैट रेजिस्टेंस ऑफ रिविट इन डबल शेयर, कह रहा ना डबल शेयर इज 1.5875 टाइम्स दैट ऑफ द सिंगल शेयर, यही कह रहा है। अब डबल शेयर कह रहा था, अब देखो इसी वही मैंने लिखा हुआ है, यहां क्या डबल शेयर की बात कर रहा है तो 1.857 और कितना हो जाएगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर और टाउ, यह सम है। अब एक हमारा क्या बचा, सिंगल शेयर बचा यानी पाई बाई फोर डी स्क्वायर एंड टाउ, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है। अब एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू हम फोर की वैल्यू पुट करेंगे, 1.857 हमारा है, ये हमारा क्या है पाई बाई फोर है। अब देखो दोस्तों हमने क्या किया, पी मैक्स यहां से फाइंड कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन रो ऑफ द रिविट। अब जब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है, यहां जो हमारा आईवीआर सिस्टम है डिस्टेंस बिटवीन रो के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, पी बी इक्वल टू 0.2p प्लस 1.15d, यही हमारा फॉर्मूला होता है, जैसा कि इसके पहले वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो क्या है, ये 0.2 हो गया। अब p का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, कितना है 1.25। एक चीज और देखना, जब p की मैं बात कर रहा हूं तो हमारा जो p मैक्स है, ये p मैक्स क्या है, लेस है एक्चुअल हमारा p से, देखो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू में। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नियर अबाउट वैल्यू है ना, हमने p को स्टैंडर्ड के हिसाब से मान लिया 1.25 mm है, ठीक है 125 मान लें हम इसको। अब P का वैल्यू कितना है 1.25 रखेंगे, यहां कितना है 1.15 और D ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, कितना आया था हमारा 28.5, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें पी बी का वैल्यू में फाइंड हो जाएगा,
पीबी हमारा कितना फाइंड होगा 57.77 यानी नियर अबाउट 60। हमेशा नियर अबाउट क्या है कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ऐसा डिस्टेंस रखेंगे नहीं तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ रिपीट में हम क्या कर सकते हैं 60 कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था हमें फाइंड क्या करना होता है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। तो जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस क्या है तो हम क्या कहते हैं कवर प्लेट थिकनेस, कवर प्लेट थिकनेस ओके कि हमारा कवर प्लेट का थिकनेस क्या है। तो क्या है अब कवर प्लेट थिकनेस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फॉर अनइक्वल विथ बट स्ट्रैप के लिए जब अनइक्वल है क्या कंडीशन है अनइक्वल है अनइक्वल है अनइक्वल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बट स्ट्रैप के लिए टी वन इक्वल टू 0.75t। दो फॉर्मूले होते हैं एक होता है वाइड के लिए और एक होता है हमारा नैरो के लिए। तो वाइड के लिए t1 इक्वल टू 0.75t। अब ये हुआ 0.75 और t का वैल्यू कितना हमारा 20 ऑलरेडी हमने फाइंड किया था पहले तो इस हिसाब से ये हमारा वैल्यू कितना रहेगा 15 mm। और t2 फाइंड किया t2 इक्वल टू कितना है यहां वैल्यू 0.625 ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कितना है टी 0.625 और ये टी हो गया 20 इसको सॉल्व किया 12.5 mm। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन के लिए फॉर्मूला पता है क्या होता है सीधा 1.5d 1.5 का वैल्यू हमें डी का वैल्यू पता है हमारा ऑलरेडी कितना है 28.5 इस तरीके से हमारा 42.75 mm आ गया इसको नियर अबाउट 43 mm कह सकते हैं। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल के लिए पूरा हमारा डिजाइन हो गया कि हमारा जो बॉयलर है वो कैसे बनेगा। लेकिन हमें बात का करना है सर्कमफेरेंशियल के लिए बात करना है अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप देखो दोस्तों सर्कमफेरेंशियल के लिए हम क्या करेंगे सेम जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल के लिए किया था वैसे हम सर्कमफेरेंशियल के लिए भी ज्वाइंट के लिए फाइंड कर सकते हैं। सारी वैल्यू उसी तरह क्या करना है हमें पहले टी को फाइंड करेंगे फिर डी को फाइंड करेंगे अब फिर क्या करेंगे हम नंबर ऑफ द रिवेट फाइंड करेंगे। आपको स्टेप बता रहा हूं दोस्तों आप सॉल्व करके ये देखिएगा अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ठीक है। अगर आप कुछ करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा आप बेटर सीख सकते हैं। तो एन एन के लिए भी मैंने बताया था क्या जो हमारा शेयरिंग रेजिस्टेंस लग रहा है एन इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर टाउ और जो हमारा शेयरिंग लोड लग रहा है पाई बाई फोर डी स्क्वायर पी यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे आप जब n की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगा फिर क्या करेंगे हम फिर क्या फाइंड करना होगा पिच को फाइंड करना है। पिच को फाइंड करने के लिए p1 माइनस dv अपॉन p1 ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको पिच भी मिल जाएगा यानी p1 हमें फाइंड हो जाएगा ओके क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवेन है। फिर क्या करना है इसमें भी फिर क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये सारे फॉर्मूले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए हैं डिस्टेंस बिटवीन रो ऑफ द रिविट ये फाइंड करना है यहां से हमें मिल जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा 0.33 p1 प्लस 0.67d ओके हमें डिस्टेंस फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है मार्जिन को फाइंड करना है। मार्जिन के लिए फिर सेम फॉर्मूला m इक्वल टू 1.5d बस आंसर हमारा क्या हो जाएगा इजीली फाइंड हो जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें।